से तो नाराज नहीं है अनिल विजकैरे ने, करोंडा भी चर्च हो रही, जेपी नड्डा की रैली की भी कोई जानकारी नहीं है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अनिल विज के नाल मुलाकात नहीं की है। अनिल विज नूं मिले बिना ही अंबाला तो सीएम सैनी रवाना हो गए सन और अनिल विज का यह बयान सामने आया, मैनू कैबिनेट विस्तार की कोई जानकारी नहीं, करोंडा भी जेपी नड्डा की रैली के बारे कोई जानकारी नहीं, मैं किसी तो नाराज नहीं हाँ, तिने गल्लां अनिल विज कह रहे हैं। करोंडा भी हो रही अज जेपी नड्डा की रैली की भी कोई जानकारी नहीं है, ना कैबिनेट विस्तार की कोई जानकारी है, ना ही मैं किसी तो नाराज हाँ। और इस सब के विचाले सीएम नायब सिंह सैनी अनिल विज के नाल मुलाकात नहीं करके गए, मिले बिना ही अंबाला तो रवाना हो गए सीएम नायब सिंह सैनी। तो ये चार चीजा जड़िया हुई ने इस वेले का अपडेट, और अंकित लगातार मेरे नाल फोन लाइन से ने, अंकित दे नाल भी गल करते हैं इस मसले को लेकर। अंकित, अनिल विज का बयान सामने आया है कि मुझे जानकारी नहीं है ना कैबिनेट विस्तार, पहले पहले सुना देते हैं हम क्या कह रहे हैं अनिल विज, क्या कह रहे हैं उसके बाद अंकित मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिल विज क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है तो... नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, आपने पहले भी कहा है कि कोई नाराजगी नहीं है, अब भी वही बात है कायम है? अरे मैं कोई नाराजगी नहीं। आज चुनावी रैली में अगर देखा जाए तो जेपी नड्डा खुद गरोंडा से कमाल संभालने आ रहे हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहली रैली के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या आपके शामिल होने की कोई उम्मीद है या आपको कोई नहीं? मुझे कोई जानकारी नहीं है, जानकारी होगी जहाँ जाऊँ वहाँ जाया करेंगे, अभी तो मैं फिलहाल चंडीगढ़ जा रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं जानकारी। मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है तो... नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, आपने पहले भी कहा है कि कोई नाराजगी नहीं है, अब भी वही बात है कायम है? अरे मैं कोई नाराजगी नहीं। आज चुनावी रैली में अगर देखा जाए तो जेपी नड्डा खुद गरोंडा से कमाल संभालने आ रहे हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहली रैली के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या आपके शामिल होने की कोई उम्मीद है या आपको कोई नहीं? मुझे कोई जानकारी नहीं है, जानकारी होगी जहाँ जाऊँ वहाँ जाया करेंगे, अभी तो मैं फिलहाल चंडीगढ़ जा रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं जानकारी। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी लगातार मेरे नाल फोन लाइन से मौजूद हैं। अंकित, एक बार फिर रुख करते हैं। अंकित, अनिल विज का बयान और उस बयान में बहुत सी बातें और सारी बातों में एक वर्ड कॉमन, मुझे जानकारी नहीं है। इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? पार्टी तो चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही है, कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और पूर्व गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं। बिल्कुल, जब पूर्व गृह मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, और वो चाहे मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, वो चाहे जेपी नड्डा की रैली की बात हो, उन्होंने साफ तौर पर, क्योंकि वो अपने विभाग जवाब देते हैं, वो अपनी बात जो कहनी होती है वो कहते हैं, तो वही बात वो कहते हुए नजर आए कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, लेकिन चंडीगढ़ जो बातचीत हुई है कि चंडीगढ़ वो विधानसभा जाएंगे और विधानसभा में जो एमएलए की कमेटी बनती है उसमें वो स्पीकर से बात करेंगे कि वो कमेटीज में एमएलए रहते हैं तो उसमें भी उन्हें भी पार्टिसिपेशन दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब साफ हो गया है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार का तो साफ हो ही गया है कि 4:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें अनिल विज शामिल नहीं होंगे। वहीं जो लोकसभा का आगाज जो है, लेकिन उन्होंने पहले ये बात जरूर कही थी कि मैं पार्टी का अनन्य भक्त हूँ और पार्टी का जहाँ भी काम करना पड़ेगा वो मैं करूँगा और पहले से ज्यादा एनर्जी से करूँगा, ये बात भी उन्होंने साफ तौर पर कही थी। और अभी भी उन्होंने कहा कि इस जो रैली जो करोंडा में हो रही है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी और कोई जानकारी मिलेगी, काम मिलेगा, वो करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जो भी जानकारी मिलेगी, जो भी काम मिलेगा वो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अंकित, नायब सिंह सैनी जाएंगे घरोंडा, दिल्ली से आएंगे जेपी नड्डा, घरोंडा में रैली होगी, जाहिर सी बात है कुछ बात तो होगी ही, अनिल विज को लेकर भी चर्चा भी हो सकती है, हालांकि ये क्यास है। और अनिल विज पहुंचेंगे चंडीगढ़ जहां शाम को होना है मंत्रिमंडल का विस्तार, तो क्या इन दोनों लोकेशंस को भी और इन लोकेशंस पे मौजूद नेताओं की मौजूदगी को लेकर भी इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए कि शाम तक, क्योंकि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, ये हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, क्या शाम तक कुछ अलग भी हो सकता है? अंकित, नहीं, ऐसा कोई नजर नहीं आता अभी, क्योंकि खुद अभी मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से होते हुए घरोंडा गए हैं और वो उनके बीच में अंबाला रास्ते में आता था,
ठीक है, तो अब वापसी में कोई उम्मीद ऐसी नजर नहीं आ रही कि कोई वापसी में कोई इस तरह का, क्योंकि अब समय भी जो है अब घरौंडा के अंदर रैली है और घरौंडा के अंदर रैली के बाद सीधे वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं, और पहले अब काफी दिन का समय था, 12 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शपथ ली थी और 12 के बाद आज 19 तारीख है, तो एक हफ्ते का टाइम हो चुका है। अगर कोई मान मनोबल होता, कोई बातचीत होती तो हो चुकी होती वो बातचीत, अब कहीं ना कहीं संभावनाएं बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही।